सौगात देंगे सीएम योगी, 280 करोड़ की ये सौगात देंगे सीएम योगी। मंगलवार को देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगे और नगर निगम के परिसर में जीडीए और नगर निगम की तरफ से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने मुकम्मल तैयारी भी कर ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले गोरखपुर और आसपास के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, जिसकी तैयारी नगर निगम में आप देखेंगे चल रही है और नगर आयुक्त साहब खुद मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे कि मंच से लेकर के सामने जो दर्शक दीर्घा है वहां बैठाने की पूरी अरेंजमेंट की जा रही है, सीटों की और पूरी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। दीपावली से पहले कह सकते हैं कि गोरखपुर आसपास के लोगों को एक तोहफा देने आ रहे हैं, दीपावली का तोहफा भी मान सकते हैं। किस तरह की ये कार्यक्रम है और कितने दिनों का ये कार्यक्रम है और जो नगर निगम में ये कार्यक्रम है, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है और क्या क्या इसमें आएंगे? देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में गोरखपुर में जिस रफ्तार से विकास की गंगा बही है उसकी मतलब आप शब्दों में उसको बांध पाना बहुत ही मुश्किल है। कल जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बेहतर गोरखपुर वासियों को दीपावली की सौगात मिलनी मुश्किल थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर 282 के करीब जो हैं हमारी परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत जो है 280 करोड़ से ऊपर की हैं और इसका मुख्य रूप से जो हमारे इसमें 9 जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है जिसमें कि हमारे 32 गांव आ रहे हैं, एक योजना के तहत एक प्लान के तहत इन 32 गांवों को हम लोग पूरी तरह से सीसी रोड और पक्की नालियों में वहां पर उसको तब्दील कर देंगे। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इससे गोरखपुर की जनता को बहुत ही लाभ होगा। कितनी की भीड़ होने की आशंका है यहाँ? इसमें लगभग जो है 3 से 4 हज़ार के जो है ऊपर ही लोग आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कार्यक्रम के बाद जो है तकरीबन 1 घंटे का वक्त यहाँ पे देंगे और यहाँ के पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 280 करोड़ के आसपास सौगात देंगे। दीपावली से पहले निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।